स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आपका टाइप स्टडी जो है आपका थर्ड यूनिट आपका जो है आपके फोर्थ सेमेस्टर की, ठीक है, वो हम आपको काउंट कर रहे हैं। और टाइप स्टडी जो है आपकी किसकी, आपकी पीजन की, ठीक है, आपका ये काउंट होता है आपका। नाम का काउंट करते हैं, तो सबसे पहले जो है हम आपको इसको काउंट करने के लिए आपका पीजन को जो है इसकी मॉर्फोलॉजी पर आपका काउंट करेंगे, ठीक है। डायग्रामेटिकली मैं आपको शो करूंगा कि पीजन क्या, तो आपका मॉर्फोलॉजी क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ आपके जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है भाई। तो जनरली हम आपका देखते हैं ना, डायग्लोरल आपका काउंट है, ठीक है, ग्रेनी बोन्स आपका जनरली ग्रीन आपका काटा ईट करता है आपका, ठीक है भाई। उस तरीके की जो मॉडिफिकेशन है वो इसके अंदर आके इसके बॉडी के अंदर आपके काउंट होते हैं, जैसे एलिमेंट्री के अंदर जनरल इलेक्ट्रिसिटी को हमने अपने काउंट किए हैं, उनके अंदर ये सब चीजें आपकी काउंट रहती है। तो मॉर्फोलॉजी में देखिए, मॉर्फोलॉजी के लिए सबसे पहले आपका डायग्राम हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है भाई, पॉसिबल हो सके तो आप फिट हो दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम आपका बीक आपका काउंट करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ से बी को हम काउंट करने के बाद एक अपर आपका पोर्शन, ठीक है, इसको हम आपका काउंट करते रहेंगे डाउनवर्ड, ठीक है, काउंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट पोर्शन आपका काउंट करेगी यहाँ से, तरीके से आपका जो है पाव एंड या फिर लेग्स जो है कदम जो है वो तो काउंट करेंगे, ठीक है। एंड इस पोर्शन को हम पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, योगी ये टाड़ो पर दो लगाते। उस तरीके से इसको काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन मॉर्फोलॉजी में आपका काउंट हो जाएगा, क्या क्या चीजें हम आपका डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो है आपकी स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी में आपका बी करेंगे, ठीक है भाई। आपका जो है बाउंडेड होती है आपके माउथ जो आपका बाउंडेड होगा आपका बीच से, ठीक है, नॉट योर लिप्स, ठीक है भाई।
और इनके अंदर जो है आपके टीथ प्रेजेंट नहीं होते, एडेंटुलस होते हैं, ये आपको काउंट हो चुका है। ठीक है भाई, नाउ यहाँ पर आपका एक स्ट्रक्चर आपकी होती है स्किन की, स्ट्रक्चर स्किन का एक पैड आपका होता है, आपका सेरे बोलते हैं, जो आपके जो एक्सटर्नल जो आपके जो ओपनिंग्स होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर आपके नोस्ट्रिल्स होते हैं, स्किन को कवर करता है। ठीक है, स्किन को कवर करेगा, नोस्ट्रिल्स है आपका स्किन का आपका जो पैड होता है। ठीक है, वो नोस्ट्रिल्स को आपका कवर करता है, जिसे हम आपका सेरे बोलते हैं, वन मार्क होता है। ये स्ट्रक्चर आपका आई है, हेड रीजन। ठीक है भाई, ये आपका एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग है आपकी। ठीक है भाई, नेक रीजन, ये आपका नेक रीजन आपका काउंट हो जाएगा भाई। ठीक है, ये रीजन आपका बैक रीजन आपका काउंट हो जाता है, नेक रीजन काउंट करें। थ्रोट आपका काउंट हो जाएगा, नेट रीजन, ब्रेस्ट और चेस्ट आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है, नेट रीजन में एब्डोमिन। ठीक है भाई, ये स्केल्स हैं आपके, केवल केवल आपके जो है कहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं भाई, आपके केवल जो है नेक रीजन पे ही आपके जो हाइंड लिम्स हैं आपके वहीं पर आपके प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी जगह पर जनरली आपके प्रेजेंट नहीं होते। जब काउंट करेंगे आपका, ये आपके क्लोज है, ये आपका हाइंड लिम है। और अपर रीजन में आपको क्या प्रेजेंट होगा, आपके फोर लिम्स। ठीक है भाई, ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका, ये क्या हो जाएगा आपके विंग्स। ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके विंग्स, ये आपके विंग फैदर है। ठीक है, ये आपके टेल फैदर। ठीक है, क्या आपके एक फैदर आपका जनरली काम हो जाएगा, हार्डली में जनरली सिंगल हम आपका काउंट करेंगे, तो आपका लेग भी आपका काउंट करेंगे। ठीक है, सिंगल में आपका काउंट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपका मॉर्फोलॉजी। ठीक है भाई, किसका आपका कोलम बेलिविया मींस वियर पीजन। ठीक है भाई, तो देखिए जब आपका देखते हैं तो आपके चार बॉडी को जब आपका देखेंगे तो फोर पार्ट में आपका डिवाइडेड होता है, जैसे कि हम आपका जानते हैं योर हेड, योर नेक, ठीक है, योर ट्रंक एंड योर टेल। ठीक है, चार चीज आपका काउंट होते हैं। तो हेड रीजन में आपका देखेंगे, ठीक है भाई, आपका आई प्रेजेंट है। ठीक है भाई, आपका जो है एक्सटर्नल ओपनिंग आपके प्रोजेक्ट है। ठीक है, और टर्मिनल आपकी जो है आपकी बीक आपकी प्रोजेक्ट होगी। ठीक है, जो हार्ड कवरिंग आपकी और वेम्पर्टिका इसकी कवरिंग आपकी होती है। आपके नोस्ट्रिल्स आपके प्रोजेक्ट होंगे जैसे के ऊपर, और इनको कवर करेगा एक्सटर्नल जो आपके नोस्ट्रिल्स आपके जो होंगे, इन्हें आपका कौन करेगा, आपका सहरे जो है आपका एक स्किन का पैड होता है। ठीक है, वो इसको कवर करता है, ये हम काउंट करेंगे। इधर से इस रीजन को डाउनवर्ड आप आएगा, आपका थ्रोट रीजन है, योर ब्रेस्ट रीजन और चेस्ट रीजन, देन एब्डोमिन है, डाउनवर्ड आपका देखेंगे। ठीक है भाई, आपके जो है हाइंड लिम्स जिन्हें आपका पेंटाडेक्टाइल काउंट काउंट करते हैं, या जनरली सिंगल वन आपका हम लेग आपका काउंट करेंगे। ठीक है, विदिन के अंदर आपका सैंड फुट आपका सब चीज आपकी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर आपके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंड एंड में आपके ब्रिजेस जिसमें आपके एंड जाते हैं, जिसमें क्लाउड में जब उसको हम जनरली देखेंगे तो फोर आपके होते हैं। ठीक है भाई, तीन आपके आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ, आप जैसे काउंट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तीन आपका वन टू थ्री आगे की तरफ आपके होंगे और एक आपका पीछे की तरफ होगा, जिसे हम आपका हॉर्लिक्स काउंट करते हैं। ठीक है, जो पर्चिंग में आपका हेल्प करता है। इस साइड से हम आपका देखते हैं आपका बैक साइड में आपका, तो ये नेक रीजन आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है भाई, बार ये बैक साइड आपका, ये विंग्स, ये जो रीजन आप यहाँ से आप देख रहे हैं, आपके विंग्स आपके होंगे, ये आपके विंग्स हो, आपके फैदर आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, विंग्स आपके सब चीजें, और लास्ट में जो टेल रीजन आप देख रहे हैं, टेल आपके फैदर यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका मॉर्फोलॉजी। ठीक है भाई, फोर पार्ट में आपका बटा हुआ था, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल के अंदर। ठीक है भाई, इस तरीके से इसकी मॉर्फोलॉजी आपकी काउंट होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके एग्जोस्केलेटन पर। देखिए एक्सोस्केलेटन में क्या आपका आता है, जनरली मैंने आपके मॉर्फोलॉजी में काफी चीजें आपको हिट मिल जाती हैं। एक्सोस्केलेटन जो है इसका वो है आपका वेल डेवलप आपका काउंट होता है। ठीक है भाई, एक्सोस्केलेटन क्या है आपका, वेल डेवलप होता है। ठीक है भाई, वेल डेवलप होगा, उसके साथ साथ इसकी खासियत क्या होती है, वेल डेवलप होता है किसके लिए, आपका आपके फ्लाइट के लिए प्रोटेक्ट करता है, टेम्परेचर से, सनलाइट से, आपके मैकेनिकल इंजरीज से आपका जो इनको आपका बचाता है। ठीक है, किसको, आपको बर्ड को, ये पढ़ रहे हैं आपका टाइप 30 आपका पीजन। ठीक है भाई, कहाँ से आपके ड्राइड होते हैं, देखिए
ड्राइड हुए हैं आपके एक्सोस्केलेटन, जो आपका एपिडर्मिस एंडेड, ड्राइड फ्रॉम एपिडर्मिस, ठीक है, जिससे आपका एपिडर्मिस साइड पर ड्राइड होता है, ठीक है, और चार चीजों से मिलकर के आपका बड़ा होता है, किसको, एक्सोस्केलेटन, जो आपकी चार चीजों से मिलकर के बड़ा होता है, आपका बीक्स, क्लोज, स्केल्स एंड फेदर्स, ठीक है, बिकॉज बीक्स, क्लोज, स्केल्स, ये चीज, चार चीजें मिलकर के जो है जो स्केलेटन को बनाती है, आपका वीक्स जो कि हमने काउंट कर लिया है आपका, ठीक है भाई, आपके क्लोज जो होगी आपकी लास्ट जो है आपके हाइंड लिम्स में, आपकी लेग रीजन जो आपका काउंट होगा उसके अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स भी आपके जो है जनरली कहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं, आपके जो है आपके लेग जो शैंक फुट आपका जो पोर्शन आपका होता है, ठीक है, वीटीजिक्स होते हैं लास्ट होंगे आपके, होलेक्स जिन्हें आप आपका काउंट करते हैं, उनके ऊपर जो आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई, स्केल जनरली आपके अब्सेंट होंगे, मैंने आपको बताया कि वो आपके जो है इसके अंदर आपके जो बोन्स थोड़ी सा आपका जो स्कल की आपकी जो प्रेजेंट होते हैं, थोड़े से आपके मेम्ब्रेनस आपके स्कल पे आपके थोड़े से प्रेजेंट होंगे, ठीक है भाई, और जनरली जो है आपके लोअर पार्ट आपके शैंक पे, फिट पे, ठीक है, फिर फिट के बेस पे और आपके बीच पे जो है आपके प्रेजेंट होते हैं, इसकी बात कर रहे हैं आपके स्केल्स की, ठीक है भाई, स्केल जो है यहाँ पर जो भी स्केल आपके मिलेंगे किसके अंदर आपके पिजन के अंदर, वो आपके होमोलोगस होंगे, किसके अंदर आपके रेप्टिलियन स्केल्स, ठीक है भाई, जैसे कि मैंने आपका कहा था आपका ग्लोरीफाइड आपके रेप्टाइल्स, ठीक है भाई, तो जनरली वो चीज़ें काउंट होते हैं जो स्केल्स जो आपके होमोलोगस होंगे किसके आपके आपके जो है रेप्टाइल्स के, ठीक है भाई, अब मेन चीज़ आपकी आती है फैदर, ठीक है, तो हम फैदर आपका काउंट करते हैं, आपका जो पहली आपकी थ्री है आपके वीक्स, क्लोज और आपके स्केल जनरली काउंट करते हैं, नाउ आपका फेदर्स, ठीक है भाई, देखिए हम समझते हैं कि बर्ड जो आपके फ्लाई करते हैं तो सबसे मेन चीज आपके फेदर्स या फिर काउंट होंगी वहां पर, तो फेदर्स हम आपका काउंट करते हैं जो आपके बर्ड्स में आप ओनली काउंट इन बर्ड्स, ठीक है भाई, केवल बर्ड्स में आपके मिलते हैं क्योंकि यही आपके फ्लाई करते हैं, क्या होते हैं आपके मॉडिफाइड रेप्टिलियन स्केल, मॉडिफाइड रेप्टिलियन स्केल्स क्या है आपके, मॉडिफाइड रेप्टिलियन स्केल्स आपके काउंट होते हैं, ये क्या करते हैं आपके आपका एक क्लोज और आपका कंटिन्यूस कवरिंग बनाते हैं जिसपे आपके बॉडी ऑफ द बर्ड, ठीक है, जिसे हम आपका कहते हैं आपका प्लूमेज, होम से क्लोज एंड कंटिन्यूस, क्लोज एंड कंटिन्यूस कवरिंग ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ बर्ड, ठीक है भाई, बर्ड और क्या होंगे आपके क्लोज एंड कंटिन्यूस आपका कवरिंग बनाएंगे किस पर, आपके बर्ड्स की बॉडी पर, उसे हम कहेंगे आपका प्लूमेज, वन बार क्वेश्चन आपका काउंट होता है, ठीक है भाई, नेक्स्ट हम आपका कैरेक्टरिस्टिक निकलते हैं, आपके लाइट वेट होते हैं, लॉन्ग इलास्टिक और आपके जो है वाटर प्रूफ आपके काउंट होते हैं, जनरली इन चीजों के बारे में पता ही आपका, ठीक है भाई, लाइट वेट होंगे, लॉन्ग होंगे आपके, ठीक है, लेंथ भी आपके काउंट होते हैं, इलास्टिक और आपके वाटर प्रूफ काउंट होते हैं, ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की, ठीक है भाई, ये आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है भाई, लाइट वेट, ठीक है भाई, इलास्टिक एंड वाटर, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकर होते हैं किसके आपके फेदर्स के, ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि भाई जो फेदर होता है उसकी स्ट्रक्चर हम काउंट करें, तो जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लीज आप चेक कंसीडर करें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक फेदर की आप अगर स्ट्रक्चर काउंट कर लेंगे तो आपको जो है सारे के सारे जो आपके फेदर वहां पर आपके काउंट हो जाए, ठीक है भाई, तो देखिए स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फेदर, स्ट्रक्चर ऑफ फेदर को जो है काउंट करने के लिए हम किसको लेते हैं आपका काउंटर फेदर, ठीक है भाई, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर वी टेक काउंटर फेदर, ठीक है, कौन सा फेदर लेते हैं आपका काउंटर फेदर, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा जी काउंटर क्या होता है, लेकिन काउंटर जो जनरल बॉडी सरफेस पे आपके सबसे ज्यादा जो आपके फेदर मिलते हैं उन्हें आपका हम काउंटर फेदर आपका काउंट करते हैं, ठीक है,
इसलिए हम इसकी स्ट्रक्चर आपका काउंट करेंगे, क्योंकि जनरली यही आपके ज्यादा जगह पे काउंट होते हैं, तो यहाँ पर काउंट फैक्टर आपका काउंट करेंगे, ठीक है, बिदर जनरल बॉडी का आपके काउंट होते हैं, ठीक है भाई। तो जेन ऑन जनरल बॉडी सर, ठीक है भाई, जनरल बॉडी सर में जो जनरली हम आपका काउंट करेंगे, तो जो है वो आपका वहां पर आपका जो है हम काउंट करेंगे, तो आपके जो है कौन से आपके प्रेजेंट होंगे, आपके काउंटर फेदर ही आपके ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो काउंटर फेदर की हम आप स्ट्रक्चर यहाँ पर आप काउंट करेंगे। देखिए देखिए जो काउंटर फेदर हम आपका काउंट करते हैं भाई, आपका जो है सेंट्रल एक्सिस, इसमें आपके स्ट्रक्चर में सेंट्रल एक्सिस आपका मेन स्टेम और आपका जो है डाइस्टल आपका आपका एक्सपेंडेड पार्ट पोर्शन होता है आपका बैलेंस, ठीक है भाई। तीन चीजें जनरली आपकी काउंट होती है, किसके अंदर आपका हम आपका काउंट करेंगे, तो आपका स्ट्रक्चर के अंदर किसकी आपकी यह है काउंटर फैलना, ठीक है भाई। तो हम ले रहे हैं आपका क्या, आपका जो है काउंट आपका काउंटर फैदर को लेंगे, तो क्या किस 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 से आपका बनाता है, देखिए सेंट्रल एक्सिस होती है आपकी, ठीक है भाई, सेंट्रल एक्सिस के साथ आपका मेन स्टेम को हम क्या कहेंगे आपका स्कैपस, ठीक है भाई, क्या कहेंगे आपका स्कैपस भी आपका, इसको हम आपका काउंट कर सकते हैं, मेन स्टेम और जो स्कैपस हम काउंट करेंगे, ठीक है भाई। और सेकेंड आपका डाइस्टल आपका एक्सपेंडेड पोर्शन, सारे आपके जो है आपके जो है तो काउंटर फेदर को आपका देखेंगे, तो सेंट्रल एक्सिस आपका मेन स्टेम जिसे हम आपको स्कैपस आपका काउंट करते हैं, और दूसरा आपका पार्ट होता है आपका डाइस्टल पार्ट आपका, और दूर वाला पार्ट आपका बैक, ठीक है भाई, जिसे वेक्सिलम भी आपका काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका क्या ले रहे हैं आपका आपका स्कैपस, दैट इज द एक्सिस, ठीक है भाई, क्या है आपका एक्सिस, तो जिसे हम आपका डिफाइन करें कि आपको क्या क्या चीज होती है, देखिए ये जस्ट आपका स्कैपस या एक्सिस है वो आपके दो पार्ट में आपकी डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड से काउंट कीजिए, समझ में आ जाएगा, तो सारे तुमसे समझ में आ गए, ठीक है भाई। एक पार्ट होता है आपका थैलेमस, फर्स्ट वन थैलेमस इज योर बेसल पार्ट, ठीक है, बेसल पार्ट और बेसल कंपोर्शन कह सकते हैं, ठीक है भाई, क्या है आपका एक्सिस दो पार्ट में आपका डिवाइडेड है, फर्स्ट है आपका थैलेमस, थैलेमस क्या आपका लोअर पार्ट आपका होता है, क्या होगा आपका लोअर पार्ट, दूसरा आपका पार्ट होता है आपका साफ या फिर आपका रेचिस, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है आपका साफ या आपका रेचिस, ये आपका कौन सा पार्ट है, ये बेसल है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा आपका अपर पार्ट, ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका अपर पार्ट, ठीक है, ये काउंट हो गया। हम काउंटर फेदर को ले रहे हैं, काउंटर फेदर में आपका मेन दो चीजें भी आपका जो है मेन स्टेम यानी कि स्कैपस और आपका क्या है आपका वेने काउंट होता है, तो स्कैपस हम आपका ले रहे हैं जिसे हम एक्सिस कहते हैं, ये दो पार्ट में आपका डिवाइडेड होता है, कैलेमस आपका बेसल पार्ट है और साफ या रेचिस आपका अपर पार्ट है, ठीक है। अब हम काउंट करते हैं किसको, कैलेमस को, ठीक है, किसको ले रहे हैं आपका कैलेमस, कैलेमस क्या है, कैलेमस को आपका देखेंगे आपका होलो ट्यूबुलर और आपकी सेमी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर आपकी होलो ट्यूबुलर सेमी ट्रांसपेरेंट, कैसा है आपका ट्यूबुलर आपकी है और सेमी ट्रांसपेरेंट आपकी है, और इसके अंदर जो है आपका पित्त आपका होता है, इट हैज पित्त, ठीक है भाई, फ्रॉम फ्रॉम जो पित्त आपका इसमें आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई, फ्रॉम ड्राई रिमेन्स, ये ड्राई रिमेन्स आपका बनता है किससे आपका फेदर पल्प से, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जी फेदर पल्प क्या होता है, जो फेदर पल्प जो होता है आपका जो एपिडर्मिस से आपका काउंट होगा, ठीक है भाई, जो उसके पल्प भी नाम समझ रहे हैं, ठीक है भाई, आपका रॉ मटेरियल, और फेदर आपका किसके लिए, आपकी फेदर को बनाने के लिए, ठीक है भाई,
तो जब हम आपका कैलेमस जो पोर्शन आपका लोअर अब आपका पार्ट है, क्या है आपका किसका आपके एक्सिस का, ठीक है, उसको हम देखते हैं तो वो आपका होलो ट्यूबुलर आपका पार्ट होता है। इसके अंदर आपका पिथ आपका एक्सेंट आपका जो है आपके पोर होता है, इसके अंदर आपका क्या होता है आपका फेदर बल्ब आपका ड्राई मेटेरियल में आपका ड्राई पोर में आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। नाउ कैलेमस इज इंसर्टेड इनटू, कैलेमस जो है आपका वो आपका इसको आपका इंसर्टेड होता है भाई आपका इनटू फॉलिकल और पिट ऑफ द स्किन, ठीक है। कैलेमस जो आपका रिमेन इंसर्टेड आपका इंसर्टेड इनटू स्किन थ्रू फॉलिकल और पिट, ठीक है भाई। जो कैलेमस जो वो स्पेशल पार्ट आपका किसका फेदर का है वो आपके स्किन के साथ आपका अटैच रहता है ऐसे, जैसे ठीक है भाई, जैसे मोर के पंख है, किसी भी पंख को आप देखोगे तो उसे नीचे की तरफ आप बिल्कुल देखोगे जो स्पेशल पार्ट, तो वो होलो रहता है, उस पार्ट से जो है आपका वो आपका अटैच रहता है किससे आपका उसकी स्किन से, ठीक है भाई। कैलेमस जो आपका ओपन आउट होता है आपका ये आपकी ओपनिंग आपका काउंट होता है कैलेमस बिलो आपका स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंफीरियर इंगुलस, ठीक है भाई। कैलेमस इज ओपन आउट बाई ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंफीरियर अम्बिलिकस, ठीक है भाई। जो कैलेमस है आपका जो बोसल पार्ट है वो आपका एक ओपनिंग आपका खुलता है एक आपके जगह से, ठीक है भाई, उस ओपनिंग को कहेंगे आपका इंफीरियर आपका अम्बिलिकस आपका काउंट करते हैं, ठीक है भाई। ये क्या करता है आपका ये बोर इट रिसीव ये आपका रिसीव करता है आपका न्यूट्रिटिव एंड डर्मल बैसिला फ्रॉम द डर्मिस, ठीक है भाई। रिसीव डर्मल सॉरी आपका जो है आपका क्या काउंट करेगा आपका डर्मल बैसिला आपका करेगा डर्मल बैसिला फ्रॉम डर्मिस, ठीक है भाई। ये जो ओपनिंग है ये आपका न्यूट्रिशन आपका जो है आपका डर्मल पैपिला ऐसे आपका जो है आपका ये डर्मल पैपिला आपका रिसीव करेगी किस तरह पर डर्मिस से, ठीक है भाई। तो ये आपका काउंट होता है आपका कहाँ तक आपका आपका कैलेमस का, इसमें आपका नेक्स्ट पार्ट और हम काउंट करते हैं देखिए। तो नेक्स्ट पार्ट आपका जो इसमें है आपका एक अना एक दूसरा पोर और आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। कहां पर आपका अनादर पोर इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड एट द जंक्शन ऑफ कैलेमस एंड आपका सेकंड जो आपका पार्ट है क्या है आपका आपका प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड जंक्शन ऑफ द कैलेमस एंड योर रैचिस, ठीक है भाई। इस पर आपका रैचिस, ठीक है भाई, रैचिस ये हमने आपका काउंट किया था कि आपका एक्सिस का दूसरा पार्ट आपका क्या है आपका साफ है, ठीक है भाई। जो कैलेमस को हम आपको दिखा था हमने कैलेमस के आपके दो पार्ट थे कि आपका सॉरी आपका एक्सिस के आपके दो पार्ट थे कैलेमस और एक आपका रैचिस, ठीक है। तो कैलेमस आपका खत्म होगा रैचिस आपका स्टार्ट होगा, तो उन दोनों के जंक्शन पे आपका एक आपकी ओपनिंग और प्रेजेंट होती है, जैसे उसे हम क्या नाम देंगे आपका सुपीरियर आपका, ठीक है, आपका जंक्शन पे दैट इज कॉल्ड योर सुपीरियर अम्बिलिकस, ठीक है भाई। इसे हम क्या कहेंगे जो कैलेमस में नीचे की साइड थी वो इंफीरियर अम्बिलिकस थी और ये जंक्शन जंक्शन पे प्रेजेंट होगी तो क्या जाएगा आपकी सुपीरियर अम्बिलिकस, ठीक है भाई। ये आपका काउंट आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। जनरली इसको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो आपका कुछ आपकी स्ट्रक्चर्स और आपकी प्रेजेंट होती है एक्यूरेसी आपकी इसमें आपकी प्रेजेंट होती है। चलिए अब मैं जो इसका आपका डायग्राम काउंट कर लेता हूँ आपका, क्योंकि टाइमिंग आपका जो है थोड़ा सा कम बचा है आपका, ठीक है भाई। देखिए डायग्रामेटिकली हम आपका काउंट करेंगे, इसके साथ साथ सब चीजें आपकी काउंट हो जाएगी, अपर पार्ट आपका रहते हैं आपका। देखिए इस तरीके से आपका डायग्राम काउंट होता है, ऐसे हम बनाएंगे आपका, ठीक है भाई। ये देखिए इसको समझने के लिए आपका दो आपके पार्ट है, ठीक है भाई। ये आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है आपका यहाँ तक ये बेसल आपका पार्ट है, ये आपका क्या है आपका कैलेमस, क्या है भाई आपका ये कैलेमस आपका काउंट होता है।
पहले में इसके अंदर आपकी ये क्या है आपका लास्ट आपकी देखिए दैट इज योर ये क्या है आपका इंफीरियर अम्बिलिकस ये आपकी ओपनिंग है और इसी के साथ जो आपका आपका अटैच रहता है आपका ठीक है भैया क्या रहेगा आपका अटैच आपका रहेगा इससे देन आपका यहाँ पर ये जो आपका प्रेजेंट है आपका ये है आपका ड्राइड फल सूखा हुआ जब भी इसकी जरूरत होती है ये एक्टिव हो जाएगा आपका ठीक है भाई और आपका जो है नहीं इसको आपको बढ़ा लेगा ठीक है भाई तो यहाँ तक आपका ये कैलेमस है ठीक है भाई अब देखिए कैलेमस के बाद आपका कैलेमस और ब्रांचेस की ओपनिंग पर आपका क्या प्रेजेंट है आपका सुपीरियर अम्बिलिकस ये आपकी सेकंड आपकी ओपनिंग है ठीक है भाई ये किस पर आपका कैलेमस और रैचिस जो आपकी आपका एक्सिस के आपका जो दूसरा पार्ट होता है पहला पार्ट क्या था आपका कैलेमस और दूसरा पार्ट आपका रैचिस इसकी आपकी दोनों के जंक्शन पे आपका प्रेजेंट होता है सुपीरियर आपका अम्बिलिकस ठीक है भाई अब हम आपका काउंट करते हैं आपका सुपीरियर अम्बिलिकस के चारों तरफ आपके छोटे छोटे आपके पाइप जो है आपके इस प्रकार से आपके फेडल्स आपके प्रेजेंट होता है इन्हें हम आपका बोलते हैं आपका हाइपो रैचिस ठीक है क्या काउंट करेंगे आपका हाइपो रैचिस हम आपका काउंट करेंगे जिसको हम थोड़ा सा इलोंगेट करेंगे समझने के लिए ठीक है भाई हाइपो रैचिस आपका काउंट हो जाएगा ठीक है भाई हाइपो रैचिस आपका काउंट होगा हाइपो रैचिस जो है आपका काउंट हो जाएगा अब देखिए वेंट्रल साइड पे आपका पूरे जो रैचिस है वो आपकी सॉलिड स्ट्रक्चर होती है जैसे आप किसी भी बर्ड के उसको आपका वो काउंट करेंगे ठीक है तो नीचे से जो आपका वो सॉफ्ट होता है और ऊपर से आपका क्या हो जाएगा आपका हार्ड हो जाता है तो जहाँ से हार्ड पोर्शन आपका शुरू हो जाएगा वो आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका रैचिस ठीक है भाई क्या हो जाएगा आपका रैचिस आपका स्टार्ट हो जाएगा ये आपका रैचिस के अंदर आपका पूरी लेंथ के अंदर आपका क्या होता है आपका वेंट्रिकल आपका अम्बिलिकल ग्रूव आपका प्रेजेंट होता है ये पूरा आपका ठीक है भाई वेंट्रिकल अम्बिलिकल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा आपके लास्ट एंड तक ठीक है भाई उसके बाद हम आपका देखेंगे जो रैचिस है रैचिस के अंदर आपके जो है फाइन आपके जो है आपके 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 जो है ये तो रैचिस जो है आपके दो अनइक्वल पार्ट में आपकी पड़ जाती है ठीक है भाई दो अनइक्वल हाफ पार्ट में आपका और दोनों के अंदर जो है आपके बार्ब्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है भाई क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं आपके बार्ब्स ऐसे ही है आपके दोनों के बीच में ग्रेजुअली आपके बड़े होते हैं ठीक है और फिर धीरे 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 आपके छोटे आपके होने लग जाते हैं ठीक है भाई इस तरीके से आपके ठीक है भाई जो रैचिस है आपका रैचिस को जब आपका काउंट करेंगे ये आपका कंप्लीट ये जो आपका पार्ट है ये आपका पूरा पार्ट ये आपका पार्ट क्या आपका काउंट हो जाता है आपका आपका रैचिस आपका काउंट हो जाएगा ये जो स्ट्रक्चर है जो हम आपका काउंट कर रहे हैं आपका जो सेकंड जो आपका आपका पार्ट है दैट इज योर वेने आपका काउंट है वेने के अंदर आपके क्या होते हैं फाइन आपके जो है आपके बाब्स आपके प्रेजेंट होंगे ठीक है भाई ये जो आपके देख रहे हैं आप ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं योर बार्ब्स आपके काउंट होंगे ठीक है भाई जिन्हें आपका वेने आपका बार्ब्स हम आपका काउंट कर सकते हैं इन्हीं को आपका आपका बार्ब आपका काउंट कर सकते हैं ठीक है मैक्सिलम भी आपका काउंट कर सकते हैं तो इसको हम आपका देखेंगे तो आपका जो रैचिस है ये आपकी हार्ड स्ट्रक्चर होती है अम्बिलिकल ग्रूव आपका आपका पूरे उसमें आपका प्रेजेंट होगा जो कि न्यूट्रिशन का आपका काम करेगा और ये जो आपके फाइन जो है आपके ये आपके क्या कहलाते हैं आपके वेने और बार्ब्स आपके कहलाते हैं बड़े स्मूथ आपके होते हैं और बीच से यहाँ बीच में आकर के आपके दोनों तरफ आप एंड की तरफ आपका जाएंगे अपर एंड की तरफ जाएंगे लोअर एंड की तरफ आपका जाएंगे बीच से ठीक है तो दोनों का साइज जो आपका धीरे धीरे घटता चला जाएगा ग्रेजुअली आपका डिक्रीज होता चला जाएगा ठीक है भाई तो डियर स्टूडेंट ये है आपका स्ट्रक्चर किसका आपका काउंटर फेदर का ठीक है भाई क्या है आपका काउंटर